देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं का तहे दिल से दोनों हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक हमारी कॉल पर आज हमें कवर करने के लिए आए हैं। मेरा नाम सरदार रंजीत सिंह है और आज हम उधमपुर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन रेल हेड उधमपुर की जानिब से, उनकी तरफ से एक प्रेस वार्ता करना चाहते हैं। और जो हमें प्रॉब्लम्स, जो हमें तकलीफ़ें और जो हमारे ऊपर एक टाइप का जो बार्बरिज्म, जो टैक्स लगाया जा रहा है, मैं वो आपके सामने खुल के बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उधमपुर रेल हेड या उधमपुर रेलवे स्टेशन के जो गुड्स जो स्टेशन है, यहाँ पर सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और FCI का जो रैक्स है यहाँ पर उतरते हैं। और जहाँ मैंने तीनों का नाम लिया, FCI का, फर्टिलाइजर्स का और सीमेंट का, आप तीनों को, तीनों मटेरियल्स को आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इनको हम पानी या ह्यूमिडिटी से हमें इनको तीनों को बचाना चाहिए, नहीं तो ये तीनों चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एक्चुअली जो रेलवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया है, जो रेलवे डिपार्टमेंट है, वो एक टाइप का हमारे ऊपर पेनल्टी इम्पोज करती है जिसको रेलवे में डैमरेज और वॉर्फेज कहते हैं। डैमरेज वो होती है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। अगर ट्रेन हमें दी जाती है, वो ट्रेन का एक टाइम होता है कि हम आपको ये 5 घंटे के लिए ट्रेन देते हैं। 5 घंटे में अगर हमने मटेरियल नीचे उतार दिया तो ट्रेन, रेलवे हमसे कुछ नहीं लेगी। लेकिन अगर हम 5 घंटे से ऊपर अगर हम टाइम लेते हैं उसको अनलोड करने में, तो रेलवे हमारे ऊपर एक पेनल्टी इम्पोज करती है जिसको डैमरेज कहा जाता है। अब जो आज तक जो डैमरेज लगाई जा रही थी वो थी 150 रुपीज़ पर वैगन पर आर। और जो वैगन का अमूमन जो रैक होता है वो 42 डिब्बों का होता है, मतलब के जो टैक्स लगाकर तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा 6700 रुपया जो है 1 घंटे का हमसे लिया जाता था अगर हम लेट होते थे तो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जो रेलवे ने इस जो रेलवे स्टेशन को ए क्लास कैटेगरी में रखा हुआ है, जो उधमपुर का जो रेलवे स्टेशन है गुड्स का, उसको ए क्लास कैटेगरी में रखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपकी ए क्लास अगर आपने कैटेगरी में रखा हुआ है तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो एटलीस्ट बी क्लास की तो होनी चाहिए। अगर आपने ए क्लास रखा हुआ है, एटलीस्ट फैसिलिटीज़ बी की रखो। लेकिन मैं आपके मीडिया के बंधुओं को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 मिनट हमारे साथ चलिए। जो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अगर मैं डी क्लास बोलूँगा तो तब भी हमारे साथ पार्शियलिटी होगी, वो एफ क्लास की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। जो शेड है वो 10 वैगन्स का शेड है नाम का, लेकिन वहाँ पर 6 वैगन से ऊपर उतारा नहीं जाता, वो भी ड्राई सीजन में। अगर आप आज के सीजन में अगर आप एक डिब्बा भी वहाँ पर नीचे उतारेंगे तो वो पूरी की पूरी एक तो दलदल है, दूसरा लाइट की कोई फैसिलिटीज नहीं है, तीसरा रोड की हालत बद से बदतर है, दयनीय है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब हमारी लेबर क्लास वहाँ पर जाकर काम करती है तो वहाँ पर जो कीचड़ है वो कम से कम 1.5 फुट का, 1.25 फुट का होता है। और जब वो बेचारे लोग काम करते हैं, हमारे जो लेबर के जो लोग हैं, जो बिहार से भी हैं, लोकल भी हैं, झारखंड से भी हैं, कहीं से भी हैं, तो उनके जो पाँव के नीचे जो हैं वो इतने इतने सुराख हो जाते हैं। पिछली बार मैं आपको वो भी, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको वो भी फोटोज़ दूंगा। खैर, ये तो होगी उनकी डैमरेज। पिछले दिनों रेलवे ने एक मीटिंग कॉल की डे बिफोर यस्टरडे और हमें ये बुलाया, बुलाकर बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप जो है लेट क्यों हो रहे हैं, आपकी जो अनलोडिंग है वो लेट क्यों हो रही है। हमने उनको ये बताया कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना के बराबर हैं, वहाँ पर कीचड़ है, वहाँ पर हम अगर हम सीमेंट नीचे उतारेंगे, फर्टिलाइजर्स नीचे उतारेंगे, FCI नीचे उतारेंगे, वो ख़राब हो जाएगी और आगे हमें वहाँ पर भी जो जवाबदेही देनी होती है। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम आपकी समस्या का हल करेंगे। इतनी सी बात कहकर चाय का प्याला पीकर जैसे ही वो अधिकारी वहां से निकलते हैं, ठीक 15 मिनट के बाद फिरोजपुर से एक लेटर आता है कि जो आपका डैमरेज है, पैनल डैमरेज है, हम उसको डबल करते हैं। मतलब कि जो 150 रुपया प्रति घंटा था वो सीधा सीधा 300 रुपया प्रति घंटा कर दिया। जो अमूमन हम ये वो लेटर है, ये वो लेटर है जो जिसको हम जजिया टैक्स बोलेंगे, ये जो रेलवे अथॉरिटीज़ ने हमारे ऊपर लगाया है। अमूमन जो 1.5 से 2 लाख रुपया हम जो डैमरेज भरते थे वहाँ पर फैसिलिटी ना होने के कारण, आज वो 3 से 3.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया हो गया है। हम ये कहते हैं कि कोरोना काल में यहाँ पर ऑलरेडी काम नहीं है,
यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि नेशनल हाईवे एक दिन डाउन होता है एक दिन अप होता है, उसमें भी बुधवार शुक्रवार को वो बंद होता है। यहाँ पर जो कॉन्वाई है वो सही तरीके से नहीं चल रही है। यहाँ पर आपने फैसिलिटीज ना के बराबर दी हुई हैं आपके, आपने यहाँ पर लेबर्स के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, हमें कोई ऑफिस नहीं दिया हुआ, हमें पानी पीने के लिए बाथरूम जाने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद जो आप डबल पैनल लगाते हैं, डबल पैनल दिल्ली तक के रेलवे स्टेशन में नहीं है, डबल पैनल डैमरेज चार्जेस बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पे नहीं है, जो अच्छे चंडीगढ़ के रेलवे लेकिन उधमपुर के रेलवे स्टेशन पे लगाया जा रहा है। हम एक तो इसके कड़ा विरोध करते हैं, दूसरा मैं मीडिया के बंधुओं के आगे बड़ा ही हाथ जोड़कर मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस बात को आप आगे लेकर जाइए। दूसरी तीसरी और अहम बात कि अगर रेलवे अथॉरिटीज ने ये वापस नहीं लिया तो हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर धरने प्रदर्शन करेंगे, रेल रोको, तो हमें जो भी करना पड़ेगा हम अपने हक के लिए करेंगे, हम किसी को प्रॉब्लम में डालने के लिए नहीं करेंगे, हम अपने हक हकूक की लड़ाई जहाँ तक होगी हम लड़ेंगे, कोर्ट तक जाएंगे जहाँ तक। लेकिन मेरा आज आपको बुलाने का सीधा सीधा मकसद ये है, आपको आपको यहाँ पर टेबल पर तो हमने आपको बात रख दी, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली वहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो आप लोग हमेशा सच की आवाज़ जो है उधमपुर में और जम्मू कश्मीर में बनकर दिखाते हैं, ये वाली आवाज़ भी आप सच की बनकर दिखाइए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।